नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक पाल। जब बात सुपर पावर देश की होती है तो दिमाग में ख्याल अमेरिका का अपने आप आने लगता है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अब अमेरिका सुपर पावर देश नहीं रहा? क्या अब इस पर किसी और का कब्जा हो गया है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल होना लाजमी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो दौर गया जब अमेरिका या रूस दुनिया में सुपर पावर का दर्जा रखते थे, अब ये स्थिति बदल चुकी है। पुतिन के मुताबिक आज के दौर में जर्मनी और चीन दुनिया के सुपर पावर देश हैं। पुतिन का ये बयान बहुत ही अहम माना जा रहा है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं पुतिन चीन को सुपर पावर बता रहे हैं। पुतिन का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस यूनाइटेड नेशंस का स्थायी सदस्य है। राष्ट्रपति पुतिन ने चीन और जर्मनी को लेकर ये टिप्पणी उस समय की जब वो वाल्दाई डिस्कशन क्लब में एक मीटिंग में मौजूद थे। पुतिन ने कहा कि इस समय अमेरिका का रोल बहुत कम रह गया है, साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस के पास भी अब कुछ नहीं है। वहीं चीन और जर्मनी दो ऐसे देश हैं जो राजनीतिक और आर्थिक तौर पर काफ़ी ताकतवर हैं। ऐसे में ये देश अब सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस के साथ वार्ता के लिए तैयार नहीं है तो उनका देश दूसरे देशों के साथ बातचीत करेगा। इसके बाद पुतिन ने कहा है कि अमेरिका अब ये दावा नहीं कर सकता कि वो एक असाधारण देश है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों अमेरिका ये दावा करता है। 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने उम्मीद जताई कि नया प्रशासन सुरक्षा और परमाणु हथियार नियंत्रण के मसले पर रूस से बातचीत के लिए तैयार होगा। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशासन की तरफ से रूस के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जिसमें पिछली संधि की समय सीमा 1 साल तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। फरवरी में ये संधि खत्म होने वाली है। इस संधि के तहत रूस और अमेरिका परमाणु हथियारों की तैनाती को सीमित रखते हैं, साथ ही मिसाइल और ऐसे बॉम्बर्स जो इन्हें कैरी करते हैं उनकी संख्या भी सीमित होती है। मतभेदों के बाद सूत्रों की माने तो रूस और अमेरिका नई स्टार्ट संधि की डील को सील करने की तरफ बढ़ चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।